फ्रेंड, तो आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका इंस्टाग्राम आईडी फ्रीज है तो आप उसको किस तरीके से अनफ्रीज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है। कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि शिवम भाई आप जितनी भी ट्रिक बताते हो रील वीडियो को वायरल करने के लिए, चाहे वो ट्रेंडिंग हैशटैग हो, ट्रेंडिंग साउंड हो, या वीडियो क्वालिटी हो, वीडियो लेंथ हो, हम यहाँ पे सब चीजें मेंटेन कर रहे हैं, बट जो हमारा रील्स है वो यहाँ पे वायरल नहीं हो रहा है। तो यार, हो सकता है आपका इंस्टाग्राम आईडी फ्रीज हो गया हो, तो आप उसको किस तरीके से अनफ्रीज कर सकते हो वो चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो मेरा आईडी भी यहाँ पे अनफ्रीज हो चुका है, लाइक ऐप पे भी देख सकते हो कितनी स्पीड में आ जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा रील्स है वो यहाँ पे एक घंटे के अंदर अंदर ही 15,000 से ज्यादा व्यूज उस पर आ गए थे, जैसा कि आप देख सकते हो 15,000 से ज्यादा व्यूज एंड लाइक भी काफी अच्छे खासे आए हुए हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका रील्स भी वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपका इंस्टाग्राम आईडी फ्रीज है तो वो यहाँ पे अनफ्रीज हो जाएगा। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सिंह त्रिपाठी और आपका स्वागत है सिम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए पे काफी ज्यादा स्टोरी लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, काफी सारे मेरे पास पहले भी कमेंट कर चुके हैं कि जो हमारे रील्स का व्यूज है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाता है, 1,000-2,000 व्यूज आने के बाद रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो ऊपर ऐप में क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया था कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एंड अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको अपने आईडी को अनफ्रीज करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जो इंस्टाग्राम है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। एंड इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको सिंपली से करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंस्टाग्राम को ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे 1200 फॉलोअर्स हैं। आपको इनका ऊपर की साइड आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिल जाते हैं, थ्री लाइन देखने के लिए मिल जाती हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग वाले पे चले जाना है। एंड सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसको आपको अकाउंट को प्राइवेट कर देना है, शिफ्ट टू प्राइवेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आप बोलोगे भाई अकाउंट क्यों प्राइवेट कर दिया, रील्स वायरल कैसे होगा? भाई, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, 30-40 व्यूज़ आ रहे, तो आपको अपना अकाउंट को प्राइवेट कर देना है सिर्फ 3 दिन के लिए। एंड यहाँ पे अगर आपके आईडी के अंदर फेक फॉलोअर्स किसी ने बढ़ाया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, फॉलोअर्स पे जाकर आप यहाँ पे चेक कर लेना। अगर किसी ने फेक फॉलोअर्स बढ़ाया हुआ है उसको यहाँ पे रिमूव कर दीजिए, एकदम खत्म कर दीजिए। एंड अपनी आईडी को 3 दिन के लिए प्राइवेट करके छोड़ दो। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, आपको रील्स अपलोड करना है ट्रेंडिंग साउंड पे, और जो उसका लेंथ है वो यहाँ पे 5-6 सेकंड होना चाहिए, 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप अपने माइंड में डाल लो, बिल्कुल एकदम सेट कर लो, अगर आपको अपना रील्स वीडियो को वायरल करना है। अगर उसके बाद आपका व्यूज़ नहीं आता, जैसे कि आप देख सकते हो जो मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे देख सकते हो 1200 फॉलोअर्स है। और मैं अगर व्यूज़ की बात करता हूँ, व्यूज़ में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ नीचे साइड स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे आते हैं, 1500, 1400, 1500, 1000 इस तरीके से आ जाते हैं, मतलब व्यूज़ काफ़ी सही आ रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी रिसेंट वीडियो है इस पर सिर्फ 150 व्यूज़ आए, तो मैं इस पर ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे इसको शेयर पे जाता हूँ एंड इसको स्टोरी पे लगाता हूँ। स्टोरी पे आपको किस तरीके से लगाना है वो चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे मैं गया एंड इसका जो साउंड है वो सबसे पहले आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पे ऊपर की साइड इस पर क्लिक करता हूँ, जो मेरा वीडियो है उसका साइलेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको स्टिकर पे चले जाना है। स्टिकर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टिकर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, इसको आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आपको जहाँ पे सही लगे वहाँ पे सेट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब इसके बाद सिंपली से आपको अपना स्टोरी लगा देना है। अब इससे होगा क्या, जैसे आप स्टोरी लगाते हो तो अगर कोई बंदा आपकी स्टोरी पर देखता है तो भाई उसको साउंड नहीं सुनाई देगा, तो वो आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा। एंड जैसे आपकी वीडियो पर क्लिक करेगा तो वीडियो के अंदर एंटर हो जाएगा एंड वीडियो पूरा का पूरा वॉच करेगा, जिससे आपका जो CTR है वो बढ़ जाएगा एंड डेली वीडियो को वायरल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो आप उसके साथ भी कोलैब कर सकते हो। 3 दिन आईडी प्राइवेट रखो एंड उसके बाद जैसे आईडी पब्लिश करते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे कोलैब वगैरह कर सकते हो, जिससे जो व्यूज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड आईडी अनफ्रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आप अपनी रील्स वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो यहाँ पे इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो, और आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कभी इस वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।